हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आरसे यजुहव ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 12th बायोलॉजी, चैप्टर 24 ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, मानव का परिसंचरण तंत्र। टॉपिक WBC, रुधिर कणिकाएं। टॉपिक चल रहा था जिसमें सेकेंड पार्ट जो है WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्प सेल्स, श्वेतांग, इनको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। ये रंगहीन होती हैं, यानी कि इनका कोई कलर नहीं होता है। साथ ही इनमें केंद्रक जो होता है वो पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। आरबीसी जो पढ़ा, तीन प्रकार की होती हैं ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जिसमें से एक डब्ल्यूबीसी ही है जिसमें केंद्रक पाया जाता है। बाकी की दोनों, जैसे कि आरबीसी होती है और प्लेटलेट्स जो है उनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। यहां पर इनकी संख्या जो होती है वो मानव के अंदर संख्या मानव में 7000, संख्या 7000 प्रति घन ml इतनी पाई जाती है। अब यहां से हम बात करें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के अनुपात की। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, इनकी मानव के अंदर इनकी संख्या के आधार पर कितने अनुपात में पाई जाती है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या है, तो होता है 600:1, यानी कि प्रत्येक एक डब्ल्यूबीसी पर आरबीसी की जो संख्या होती है वो 600 होती है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण, डब्ल्यूबीसी का निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा, वह लसिका ग्रंथियों के अंदर होता है। लसिका उत्तक बोल सकते हैं, लसिका उत्तक। अस्थि मज्जा वह लसिका उत्तकों में होता है। इनका जीवन काल, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल जो होता है वो 4 से 5 दिन, कम से कम मिनिमम जो होता है 4 से 5, इससे कई दिनों का, कई दिनों तक हो सकता है। इनकी संख्या जो पाई जाती है वो 7000 प्रति घन mm होती है, लेकिन सामान्य अवस्था में 7000, लेकिन किसी कारण से इनकी संख्या जो होती है वो 7000, लगभग 7000 इससे ज्यादा हो, यानी कि सामान्य से अधिक यदि हो जाती है, तो इस अधिक अवस्था को, इसकी संख्या बढ़ जाती है तो उसको ल्यूकीमिया बोलते हैं। किसे कहते हैं ल्यूकीमिया? जब मानव के अंदर डब्ल्यूबीसी जो होती है उसकी संख्या सामान्य से ज्यादा हो जाती है तो उसको बोलते हैं ल्यूकीमिया, वह अवस्था ल्यूकीमिया कहलाती है। गति की बात करें, किस प्रकार की गति पाई जाती है इसमें, तो डब्ल्यूबीसी जो होती है इसमें अमीबीय गति पाई जाती है। अमीबॉइड मूवमेंट इसमें पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी जो है उसको दो भागों में बांटा गया है, यहां से डब्ल्यूबीसी जो है इसको दो भागों में बांटा गया है और आधार लिया गया है कणिकाओं का, यानी कि इनका जो साइटोप्लाज्म होता है कोशिका द्रव, उसके अंदर कणिकाएं
प्रेजेंट होती है या फिर एब्सेंट। इसके अकॉर्डिंग इसको दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है कणिका में, दूसरा है कणिका रहित। इनको बोलते हैं से ग्रेन्यूलोसाइट। यहां से नॉन ग्रेन्यूलोसाइट। कणिका में जो होती है इनको तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स, सेकेंड बेसोफिल्स, थर्ड इओसिनोफिल्स। इनको एसिडोफिल्स भी बोलते हैं। नॉन ग्रेन्युलोसाइट जो होती है इसको भी दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट मोनोसाइट को बोलते हैं एक केंद्र कण, और सेकेंड होता है इनके अंदर लसिकाण। सेकेंड पार्ट इनका लसिकाण लिम्फोसाइट। के भी दो पार्ट हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो इस प्रकार से यहां WBC जो है वो पार्ट और उसके टाइप जो है वो यहां पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।